अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रिसिंक्ट 29 जो है उसका स्ट्रीट टूर करवाएंगे। प्रिसिंक्ट 29 जो है ये बिल्कुल गोल्फ के सामने है, मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है और यहां पे 500 गज़ की कटिंग है। 500 गज़ की कटिंग ओवरऑल पूरे ब्लॉक के अंदर है, यहाँ पर आपको छोटी कटिंग नहीं मिलती। तो इस बेस पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला इलाका जो है इसकी गोल्फ के सामने होने की वजह से और 500 की कटिंग होने की वजह से इसकी आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड होगी। अभी ये थोड़ा सा आप लोग जानते हैं कि मेन गेट से तकरीबन 12 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 11-12 किलोमीटर बनता है, तो ये अभी दूर है और यहाँ पे अभी इतनी तादाद में घर नहीं बनना शुरू हुए, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ घर बनेंगे क्योंकि पोजेशन यहाँ पे दिया जा चुका हुआ है और प्लॉट की कीमत यहाँ पे जो है वो कम है कंपैरेटिवली। अगर मैं बात करूँ प्रिसिंक्ट 4 की तो वहाँ पे भी 2.25 करोड़ की रेंज चलती है अच्छे प्लॉट की। हिल की बात कर लेता हूँ मैं, अगर प्रिसिंक्ट 9 की तो उधर आप लोग जानते ही हैं कि जो प्राइस रेंज है वो भी तकरीबन 2.25 करोड़ से प्लस या 2.25 करोड़ है और आफ्टर दैट मतलब 17 में भी रेट्स एक्सपेंसिव है। उसके बाद जो कम रेंज में प्रिसिंक्ट आता है जो मैं एवेन्यू के ऊपर वो 29 है और ये गोल्फ के सामने भी है। डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और क्योंकि कुछ एरिया यहाँ पे आप लोग जानते हैं आउट ऑफ द बाउंड्री भी हैं कुछ प्लॉट्स, तो इसलिए आपको मुहतात हो के यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करनी है। ख़ास तौर पे जो बायर है उसको बड़ा मुहतात हो के यहाँ पे प्लॉट ख़रीदना चाहिए क्योंकि ब्रोकर्स जो हैं वो बाज़ दफ़ा चीटिंग भी कर जाते हैं और उसमें वो माल बना जाते हैं, लेकिन आप लोगों का डेफिनेटली फ़ायदा होता है। हमारी वीडियो इसलिए होती हैं कि आप लोग जो लोग जिनको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपको किस तरह से व्यू करना है, हम उनको एजुकेट करते हैं कि भाई ये इस स्ट्रीट में हम फिर रहे हैं, ये स्ट्रीट है, लेट्स से अभी ये रोड 7 है सामने, तो इसके अंदर अभी डेवलपमेंट हो रही है और अगर यहाँ पे आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो इसका कितना एरिया आगे डेवलप हो चुका हुआ है। और स्पेशली हम फोकस करते हैं जो जिस इलाके में डेवलपमेंट ना हुई हो उसमें हो रही हो, तो आपको यहाँ पे शो करेंगे किस किस एरिए के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। तो आप ऐसी चीज़ लें कि जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है, ये ना हो कि आप कोई ऑफ ग्राउंड जो है वो प्लॉट या कोई ऐसी चीज़ कोई ब्रोकर आपके खाते में ना डाल दे कि जो बाद में आपको आपके लिए बाय से नुकसान बने। यहाँ पे ये फुटपाथ के लिए टाइल्स वगैरह आ चुकी हुई हैं और बाकी अगर आप बात करते हैं रोड जो है वो डस्ट रोड क्लियर्ड है, यहाँ पे मेटल डलने वाली है उसमें जैसे ही कोल शोर डाल के वो बजरी डाल के इसको बहरिया के जल्दी इंशाल्लाह ताला ये वाला रोड 7 कंप्लीट हो जाएगा। ये रोड 3 है, इसके बाद ये वाला ख़ास करके स्ट्रीट्स जो चल रही है मेरे उल्टे हाथ पे, इन स्ट्रीट्स के अंदर जो आगे वाला एरिया है वहाँ पे जाके आपने देखकर चीज़ें करनी है क्योंकि हम अगर बात करते हैं कि आउट ऑफ द बाउंड्री एरिया की तो यहाँ पे आगे की जगह जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो काफ़ी सा एरिया की बाउंड्री से बाहर हो जाता है और जब आप नक्शे पे देखते हैं तो नक्शा आपको वैसे ही बना हुआ नज़र आएगा जैसे मैं इस वक्त रोड 3 के ऊपर हूँ। तो मैप के ऊपर ऐसे आपको एवेलुएट नहीं होता, आप फिज़िकली आकर देखा करें, वीडियोस को भी देखकर आप डिसीजन कर सकते हैं। ये पार्क का एरिया है और यहाँ पे वो वाटर स्टोरेज के लिए बैरिया बिल्ड कर रहा है, बाकी यहाँ पे सीधे हाथ पे अगर आप देखते हैं तो विला तैयार हो रहा है और इसके बाद फिर आउट ऑफ द बाउंड्री वॉल आप देखेंगे। ये रोड 12 आप सामने देख रहे हैं, इसके बाद फिर बाउंड्री वॉल है कुछ बाउंड्री के यहाँ पे। अगर रोड 12 की हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने कुछ बाउंड्री वॉल एक्सटेंड की है। हाँ जी, कुछ एरिया शायद उन्होंने एक्सटेंड भी किया है।
रोड 13 है और रोड 12 के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने रोड 13 के जो हैं वो लगाए हुए हैं साइन बोर्ड, लेकिन अगर इसके बाद स्ट्रीट की हम बात करें, स्ट्रीट नंबर क्या बनता है जी, सॉरी ये था रोड 13 ही है और स्ट्रीट 25 एक्यूरेट लगी हुई है स्ट्रीट के ऊपर जो है मैप के ऊपर उसको मैच कर रहा है, लेकिन सिर्फ आपने थोड़ा सा ख्याल ये करना है कि यहाँ पे आप जैसे ही रोड 12 को क्रॉस करते हैं तो स्ट्रीट 25 का आपको यहाँ पे बोर्ड नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रीट के मतलब वहाँ से अगर आप कहें जो 90 का एंगल बनता है वहाँ से जो स्ट्रीट्स निकलती हैं सामने वो आउट ऑफ द बाउंड्री है। स्ट्रीट नंबर 26 की अगर मैं बात कर लेता हूँ, लेट्स से स्ट्रीट 27 की मैं बात करूँ, अगर रोड 15 यहाँ से आगे अगर हम बात करते हैं तो वो आउट ऑफ द बाउंड्री है। इस तरह से रोड 16 का मेजर पार्ट जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री होगा उस एरिया, और ये सारा इसके बाद फिर कुछ स्ट्रीट नंबर जो गालबन बन रहा है ये स्ट्रीट 16 है, ये वाला एरिया आपने देखना है। स्ट्रीट 16 बिल्कुल आउट ऑफ द बाउंड्री है और स्ट्रीट 15 आउट ऑफ द बाउंड्री है, रोड 16 आउट ऑफ द बाउंड्री है। खैर ये जिस बंदे ने प्रॉपर्टी बाय करनी है अपनी वो लाजमी तौर पे वीडियोस को देखे और फिर डिसीजन करें। अगर आप मैप के ऊपर देख के प्लॉट खरीदेंगे तो वो आपको बहुत ही खूबसूरत और बड़ा पार्क के सामने या कोने वाला प्लॉट नज़र आएगा, यहाँ पर आकर देखेंगे तो आप के साथ हाथ जो हाथ हो चुका होगा, तो जिस ब्रोकर ने आपकी होगा डेफिनेटली उसको माल बनाया होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो और आपको ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं साबित हो सकती, नुकसान है साबित हो सकती, उसे बचना चाहते हैं, आप हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ही बेहतरी हो। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।